वहीं हरियाणा में सोनीपत लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत और रोहतक को अपनी दो आंख बताकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक भी पीछे नहीं है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा है कि हुड्डा ने हमेशा सोनीपत से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है और सोनीपत को लूटा है। हुड्डा एक आंख सोनीपत को बताते हैं जबकि मेरी तो दोनों आंखें सोनीपत हैं और इस बार जनता हुड्डा को चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी।